झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन फिर एक्टिव हो गए हैं। वे एक्शन में हैं। सबसे पहले उन्होंने इंडियन पोस्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन अकाउंट्स एंड फाइनेंस सर्विस के अधिकारी निरंजन कुमार के खिलाफ एसीबी जांच की अनुशंसा की है। इन पर अपने पुराने परिचयों का दुरुपयोग कर JUSNL तथा जरेडे का निदेशक बने उस पद हेतु कोई भी तकनीकी अर्हताएं पूरी नहीं करने के अलावा 27 जनवरी 2019 को प्रतिनियुक्ति अवधि समाप्त हो जाने के बाद भी पद पर बने रहने का गंभीर आरोप है। इनकी प्रतिनियुक्ति अवधि का विस्तार केंद्र सरकार अथवा DOPT में अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। साथ ही साथ अवैध रूप से वेतन निकासी समेत कई और आरोप भी लगे हैं। सरकार के विभिन्न खातों से 170 करोड़ का भुगतान करने और सपरिवार विदेश भ्रमण करने और पत्नी के नाम से संपत्ति अर्जित करने का आरोप भी इन पर लगा है। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री ने जिला क्रीड़ा पदाधिकारी के 24 पदों की नियुक्ति की अनुशंसा भी कर दी है। यह नियुक्तियां JPSC से होंगी। उन्होंने धनबाद नगर निगम में हुई गड़बड़ी को लेकर पूर्व के अधिकारियों पर भी कार्रवाई करने का आदेश दिया है। पिला वाले घरों को रोशन तो करते ही बच्चों का भविष्य भी संवारते हैं। हर घर चुपचाप से ये कहता है, अच्छा लगता है जब सब कोई अंदर रहता है। Stay home, stay safe, Asian Paints.